डियर स्टूडेंट्स, जेन की संरचना के संबंध में आज हम सैमुअल बेंजर के प्रयोग की स्टडी करेंगे। सैमुअल बेंजर ने जीन की संरचना बताने के लिए 1955 में अपना एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई जीवाणु पर अपना प्रयोग किया। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज लिए थे वो T4 बैक्टीरियोफेज थे। बैक्टीरियोफेज कई टाइप के होते हैं। TE1 बैक्टीरियोफेज है, TOD बैक्टीरियोफेज है, लैम्डा फेज होते हैं। तो जो ये बैक्टीरियोफेज होते हैं, जीवाणुओं पर दो तरीके से अपनी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। एक लाइफ साइकिल होती है जो जिसे हम लाइटिक साइकिल कहते हैं, और दूसरी होती है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होती है। लाइटिक साइकिल के अंदर जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो बैक्टीरियल कॉलोनी को रैपिडली उसको लाइसिस कर देते हैं, जबकि लाइसोजेनिक होते हैं ये उसके अंदर एज ए प्रोफाज के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, लंबे समय तक डोरमेंट कंडीशन में पड़े रहते हैं। जबकि लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज है वो जीवाणुओं को संक्रमित करेंगे और संक्रमित करके तुरंत अपनी संख्या बढ़ाएंगे और बैक्टीरियल सेल को नष्ट कर देते हैं। जबकि लाइसोजेनिक में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA होता है, वो बैक्टीरिया के DNA के साथ में जुड़ जाता है और एक डोरमेंट अवस्था के अंदर पड़ा रहता है, जिसे हम प्रोफाज कहते हैं। तो इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज लिए थे वो T4 बैक्टीरियोफेज थे, और ये लाइटिक लाइफ साइकिल के द्वारा रैपिडली ई कोलाई कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करते थे। तो रैपिड लाइसिस से संबंधित जो T4 बैक्टीरियोफेज थे उसके कई रूप थे, जिसे उन्होंने T4 के लिए उसे R लोकस नाम दिया। जो जीन था वो R था, और इसके कई रूप थे, जैसे R फर्स्ट है, उसका R सेकेंड रूप है, R थर्ड रूप है, इस तरह से उसके कई लोकस थे, उनकी उन्होंने स्टडी की थी। साथ ही उन्होंने देखा कि जो ये E. coli बैक्टीरिया है, इसके भी उन्होंने दो स्ट्रेन अपने प्रयोग में लिए थे। एक E. coli का जो B strain था और एक E. coli का K12 स्ट्रेन है। इन दोनों स्ट्रेन के साथ में उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। अपने प्रयोग में उन्होंने जो E. coli बैक्टीरिया है, E. coli बैक्टीरिया के संवर्धन माध्यम लिए। संवर्धन माध्यम पर E. coli बैक्टीरिया को ग्रो कराया पेट्री प्लेट्स के अंदर, जिसे बैक्टीरियल लोन कहते हैं। इस पेट्री प्लेट्स है जिसके अंदर कई सारे बैक्टीरिया है, जो E. coli बैक्टीरिया है वो संवर्धन माध्यम पर ग्रो करते हैं। तो एक लोन के समान ये इसमें दिखाई देते हैं, जैसे ग्राउंड के अंदर घास होती है वो एक लोन के रूप में दिखाई देती है, उसी तरह से इस पेट्री प्लेट्स में E. coli के लोन प्रेजेंट थे। जब इस संवर्धन माध्यम पर बैक्टीरियोफेज का या जो R सेकेंड कॉलोनी है, जब इसका संक्रमण किया जाता है या छिड़काव किया जाता है, तो ये E. coli बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जहाँ जहाँ पर बैक्टीरियोफेज उपस्थित रहेंगे वो अपने आसपास के क्षेत्र में E. coli को कॉलोनी को धीरे धीरे ख़त्म करने का कार्य करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे। और जैसे जैसे E. coli है वो नष्ट होंगे तो वहाँ पर खाली स्थान बन जाता है, और इस तरह से एक राउंड शेप में संरचना बनती है। जो E. coli बैक्टीरिया जहाँ से नष्ट हो जाते हैं उस क्षेत्र को प्लाक कहा जाता है। उस क्षेत्र को प्लाक कहते हैं जहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरियोफेज का आक्रमण हो जाता है और वो E. coli को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जो प्लाक बनते हैं इन दोनों स्ट्रेन में,
T4 के अलग अलग प्लक बनते हैं। बी स्ट्रैंड में जो प्लक बनती है वो लार्ज और राउंड शेप में बनती है, जबकि के स्ट्रैंड होती है इसके अंदर जो प्लक बनते हैं वो स्मॉल साइज के बनते हैं। इसमें लगभग इस साइज के प्लक बनते हैं और इसमें स्मॉल साइज के प्लक का निर्माण होता है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। तो सेमर ने क्या किया था, सेमर ने जो आर सेकेंड बैक्टीरियोफेज है उन बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के दो अलग अलग स्ट्रेन जिसे बी स्ट्रेन कहते हैं और एक K12 स्ट्रेन लिया था, उन स्ट्रेन को आर सेकेंड बैक्टीरियोफेज से जब संक्रमित करवाया तो संक्रमण के दौरान इन्होंने क्या देखा कि जो प्लक का निर्माण होता है वो बी स्ट्रेन में लार्ज प्लक है वो बनते हैं और जो आर सेकेंड के जो सामान्य रूप होते हैं वो K12 स्ट्रेन को संक्रमित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग में दो तरीके के एक्सपेरिमेंट किए। जो पहला एक्सपेरिमेंट था ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके दो स्ट्रेन हैं, बी स्ट्रेन है और K12 स्ट्रेन है। सामान्य आर सेकेंड कॉलोनी से उन्हें संक्रमित करवाया, जबकि दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियोफेज है आर सेकेंड है इनके कई म्यूटेंट रूप है वो प्राप्त किए। पहले में उन्होंने क्या, जो आर सेकेंड के वाइल्ड टाइप है या इसको हम सामान्य रूप कहते हैं उनसे इनको ई कोलाई जीवाणुओं को संक्रमित करवाया और सेकेंड प्रयोग में इनके कई म्यूटेंट रूप लिए जिन्हें हम आर सेकेंड प्लस कहते हैं और उनके रिजल्ट देखे कि उनसे क्या प्राप्त होता है। जो बी है ई कोलाई का जो बी स्ट्रेन होता है इसके अंदर लार्ज प्लक का निर्माण होता है, जबकि K12 होते हैं इसके अंदर जो ये आर सेकेंड है वो के स्ट्रेन को संक्रमित या तो नहीं कर पाता है या उसमें जो जीवन चक्र होता है वो लाइसोजेनिक टाइप का जीवन चक्र है वो K12 में कंप्लीट होता है, इस कारण उसमें प्लक का निर्माण नहीं होता है, इसमें नो प्लक बनते हैं, इनमें प्लक का निर्माण नहीं होता है। सेकेंड, उन्होंने आर सेकेंड के कई म्यूटेंट रूप को उन्होंने जब इनको संक्रमित करवाया तो इसके अंदर स्मॉल प्लक का निर्माण होता है और K12 में भी स्मॉल प्लक है कॉलोनी है वो बनती है। तो बेंजर के प्रयोग का कंक्लूजन क्या है, उन्होंने ई कोलाई के दो स्ट्रेन लिए, ई कोलाई जीवाणु के दो स्ट्रेन, एक तो बी स्ट्रेन और एक के स्ट्रेन। ठीक है, इन्हें उन्होंने आर सेकेंड वाइल्ड टाइप बैक्टीरियोफेज और आर सेकेंड म्यूटेंट के साथ में प्रयोग किया, जिससे उन्होंने दो तरह के करेक्टर की स्टडी की, एक मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लक या प्लक की आकार की कैसी होती है, दो तरह से हो सकती है, एक तो लार्ज और दूसरी स्मॉल। ठीक है, प्लक लार्ज बनते हैं या प्लक है वो स्मॉल बनते हैं। दूसरा, उन्होंने देखा कि उनके जो जीवन चक्र होता है स्ट्रेन के साथ में उनकी लाइफ साइकिल, जैसे बी स्ट्रेन है और एक के स्ट्रेन है। बी स्ट्रेन है इसमें तो उनका जीवन चक्र है वो लाइटिक टाइप का लाइफ साइकिल चलता है, सामान्य टाइप के जो वाइल्ड टाइप का बैक्टीरियोफेज है आर सेकेंड, जबकि जो के स्ट्रेन होता है इसके अंदर लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है वो चलता है या आर सेकेंड लोकस है उसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके कारण या इसमें नो प्लक बनते हैं, इसमें प्लक का निर्माण नहीं होता, जबकि इसके अंदर प्लक फॉर्मेशन होती है। तो दो करेक्टर, एक तो मॉर्फोलॉजी स्मॉल या लार्ज बनती है और स्ट्रेन होता है जो बी के अंदर लाइटिक साइकिल चलता है जिसमें प्लक निर्माण होता है और के स्ट्रेन होता है जिसके अंदर प्लक का निर्माण नहीं होता है। लेकिन बेंजर ने क्या किया, इनके साथ में देखा इसमें लार्ज कॉलोनी बन रही है, लार्ज प्लक बन रहे हैं और इसके अंदर नो प्लक बन रहे हैं, प्लक का निर्माण
नहीं हो रहा है, 8 सेकेंड इसके अंदर स्मॉल प्लक बन रहे हैं और इसमें भी स्मॉल प्लक बन रहे हैं। जब इन्होंने इन दोनों को एक साथ दोनों स्ट्रैंड को संक्रमित करवाया तो उसमें क्या बनता है, जब दोनों को एक साथ करते हैं तो लार्ज और स्मॉल दोनों तरह के बनते हैं, तब इसमें क्या बनेंगे, लार्ज प्लक भी बनेंगे स्मॉल प्लक भी बनेंगे, और इसमें केवल स्मॉल प्लक बनते हैं। इस आधार पे उन्होंने म्यूटेंट जो बैक्टीरियोफेज था उसको आइसोलेट किया, उसको उसकी पहचान की, ठीक है, और वो लाखों में यदि एक होता है तो उसको भी वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि प्लेट के अंदर जो प्लक का निर्माण होता है उसको आसानी से देखा जा सकता है। अगर ये बैक्टीरियल कॉलोनी है और इसके अंदर एक छोटा सा प्लक का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे उसको इजीली आसानी से पहचाना जा सकता है। और इसको समझाने के लिए ही बेंजर ने जीन के बारे में अपनी 3 हाइपोथेसिस दी। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जीन है वो एक रेकॉन यूनिट है, ठीक है, यानी कि यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है। जीन क्या है, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है या यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है। उन्होंने कहा कि उनमें आपस में जीन में बिटवीन द जीन रिकॉम्बिनेशन होता है, विद इन जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, और जीन एक स्ट्रक्चर यूनिट होती है जिसे रिकॉन कहा जाता है। सेकंड इन्होंने कहा कि जीन क्या है, जीन एक म्यूटॉन यूनिट है, यानी कि यूनिट ऑफ चेंज है, कि जीन डीएनए का वह पार्ट होता है जिसमें चेंजेज की संभावना रहती है, जिसमें म्यूटेशन हो सकता है, उसे उन्होंने म्यूटॉन कहा, ठीक है। और थर्ड उन्होंने कहा कि जीन क्या है, जीन एक सिस्ट्रॉन है, यानी कि यूनिट ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों हाइपोथेसिस है जिन्हें रिजेक्ट कर दी गई थी, लेकिन जो यूनिट ऑफ फंक्शन है वो उसे अभी भी हम यूज करते हैं, क्योंकि जीन क्या है, जीन एक सिस्ट्रॉन यूनिट होती है जो एक प्रोटीन को कोड करती है, पॉलीपेप्टाइड को कोड करती है, जबकि म्यूटेशन है वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन है वो भी दो न्यूक्लियोटाइड में, एक न्यूक्लियोटाइड में पॉसिबल होता है। बिटवीन द जीन रिकॉम्बिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है, विद इन जीन भी रिकॉम्बिनेशन होता है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हो सकता है। इस कारण इन दोनों थ्योरीज हाइपोथेसिस को नहीं माना गया, जबकि जो सिस्ट्रॉन यूनिट है इसको बेंजर द्वारा दी गई यूनिट को माना गया। बेंजर के प्रयोग को समझाने के लिए ही एक और टेस्ट है जिसे हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कहते हैं। या इसे सिस ट्रांस टेस्ट भी कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट या सिस ट्रांस टेस्ट भी कहते हैं। यह टेस्ट है वो लेविस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1957 में, ठीक है। इस टेस्ट की कुछ कंडीशन होती है, इस टेस्ट को करने के लिए कुछ इसके लिए कंडीशन होती है कि ये उसी कंडीशन में टेस्ट है वो किया जा सकता है। वो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि इसके लिए कम से कम 2 जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करें, 2 जीन है वो कम से कम एक करेक्टर को कंट्रोल करें, 3 जीन भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम 2 जीन है वो एक करेक्टर को कंट्रोल करें। सेकंड है इसमें 2 म्यूटेशन कोज करवाते हैं, मिनिमम कितने, 2 म्यूटेशन कोज करवाने हैं। थर्ड है जो म्यूटेशन है वो रिसेसिव ही होने चाहिए, म्यूटेशन क्या है, रिसेसिव ही होने चाहिए, डोमिनेंट म्यूटेशन है वो इस रिजल्ट के लिए नहीं हो सकती। और फोर्थ है वो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं वो डिप्लॉयड होना चाहिए, जिस सेल की हम स्टडी कर रहे हैं वो डिप्लॉयड या पार्शियली डिप्लॉयड उस जीन के लिए होने चाहिए, तभी इस टेस्ट को हम कर सकते हैं। क्या होता है कि कोई भी एक करेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कहा कि कम से कम 2 जीन होने चाहिए, तो ये 2 जीन हैं और ये डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट है, उसके होमोलोगस पेयर है, ठीक है, ये जीन ए है ये जीन बी है। जब हम म्यूटेशन उत्पन्न करवाते हैं, कोच करवाते हैं, तो इन दोनों में से किसी भी एक जीन में
यदि म्यूटेशन हो जाता है, वो म्यूटेंट हो जाता है, तो फिनोटाइप है वो नहीं बनेगा। सामान्य रूप से यदि इनमें म्यूटेशन नहीं है तो फिनोटाइप कैसा बन रहा है? इस फिनोटाइप को हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप। इसे हम क्या कहेंगे? वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप कहते हैं जब नो म्यूटेशन होता है, उसमें म्यूटेशन नहीं है, उस कंडीशन में हम उसको वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप कहते हैं। जब हम इनमें म्यूटेशन उत्पन्न करवाते हैं, ठीक है, दो बार म्यूटेशन हम करवाते हैं, मिनिमम दो म्यूटेशन है। जब किसी एक जीन में डिफेक्शन हो जाता है, एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है, वो काम नहीं करेगा, तो फिनोटाइप है वो वाइल्ड टाइप नहीं बनेगा, म्यूटेंट फिनोटाइप बनता है। कैसे होता है कि पहले कंडीशन में हम सिस पोजीशन में म्यूटेशन करवाते हैं, दोनों म्यूटेशन हम एक ही क्रोमोजोम पर करवाते हैं, तो दोनों जीन में म्यूटेशन होता है, उसमें क्या आएगा, फिनोटाइप कैसा बनेगा? फिनोटाइप है वो वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप बनता है पहली स्थिति के अंदर, जब हमने म्यूटेशन कोज करवाया। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों म्यूटेशन हैं वो एक ही क्रोमोजोम पर होते हैं, सिस स्थिति में होते हैं, और उसके जो होमोलोगस पेयर होते हैं वो डोमिनेंट इफेक्ट दर्शाते हैं, क्योंकि म्यूटेशन हमने पहले बता रखा है कि रिसेसिव ही होना चाहिए। इस वजह से जो फिनोटाइप है वो हेटरोजाइगस कंडीशन में वाइल्ड टाइप बनता है, मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार, प्रभाविता के नियम के आधार पर। सेकेंड स्थिति में हम म्यूटेशन है वो अलग अलग क्रोमोजोम में उसके होमोलोगस पेयर में म्यूटेशन कोज करवाते हैं। M3 म्यूटेशन है वो यहाँ पे होता है, और M4 म्यूटेशन है वो इस जीन में हम करवाते हैं। उस कंडीशन में फिनोटाइप कैसा आएगा? म्यूटेंट फिनोटाइप प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें कैसा आएगा? म्यूटेंट फिनोटाइप प्राप्त होता है, क्योंकि एक कंप्लीट जीन है वो डिफेक्टिव हो जाता है, म्यूटेंट हो जाता है, इस कारण से अब वो करेक्टर है वो विजिबल नहीं होगा, और जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के कारण जो फिनोटाइप बनता है वो म्यूटेंट टाइप का फिनोटाइप प्राप्त होता है। और यदि ये म्यूटेशन इस जीन में होता, यहाँ पे होता, तो ये फिर वापस वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप हमें मिलता, और इसे हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है वो अपना नहीं होता। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट ये बताता है कि यदि दो जीन है एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो उसमें मिनिमम दो कॉम्प्लीमेंट ग्रुप का निर्माण हो जाता है। एक ग्रुप ए जीन के होंगे जिनमें म्यूटेशन हो जाता है, एक ग्रुप बी जीन के होते हैं जिनमें म्यूटेशन हो जाता है। और अब जब दोनों म्यूटेंट एक साथ आ जाते हैं, जब दोनों म्यूटेंट एक ही जीन वाले एक साथ आते हैं, तो उनमें म्यूटेंट फिनोटाइप प्राप्त होता है, और जब दोनों म्यूटेशन अलग अलग जीन में होता है तो वाइल्ड टाइप के फिनोटाइप है वो प्राप्त होते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है वो जीन की संरचना के बारे में, जीन की स्थिति के बारे में बताता है कि म्यूटेशन है वो एक ही जीन में होने से फिनोटाइप है वो बदल जाता है, जो एक जिसे हम सिस्ट्रोन कहते हैं, इसे सिस्ट्रांस टेस्ट कहते हैं, इसी आधार पे जीन की जो फंक्शनल यूनिट है जिसे हम सिस्ट्रोन कहते हैं। ठीक है, तो ये जीन की फंक्शनल एस्पेक्ट को समझाने का कार्य कर रहा है। थैंक यू।